जय हिंद दोस्तों, काला अकेडमी आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अगला टॉपिक आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना नाम जो रखा गया है, इसका मतलब कि वैसा ग्राम जिसमें सभी आदर्श चीज़ें मौजूद हों। तो आदर्श ग्राम योजना लाने का जो मकसद था यही था कि जो गाँव जो है काफ़ी पिछड़ा चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना, शहर के मुताबिक उसे कंपेयर करना। क्योंकि गाँव ही जो होते हैं किसी भी जो हमारा डेवलपिंग कंट्री का बेस होता है। जब यही पिछड़ा रहेगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिसके कारण 23 जुलाई 2010 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसका लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में। इसका मेन मकसद था कि किसी भी विलेज का एक मॉडल तैयार। इस मॉडल में बहुत सारी अच्छी बातें रहेंगी, अच्छा शौचालय रहेगा, घर के अंदर रोड बने रहेंगे, हरियाली चारों तरफ रहेगी, वाटर फैसिलिटी रहेगी। एक मॉडल बनाया गया, इस प्रकार का एक विलेज होना चाहिए और बहुत सारे विलेजों को इस मॉडल के तहत तैयार करना ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मकसद था। ये जनरली रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में आया था, जिसमें 50% जो है ये क्या शेड्यूल कास्ट के लिए लाया गया था, लेकिन आगे चल के ये चेंज हो गया था। जनरली बोला गया जो लो कास्ट के लोग हैं उन्हें तो अच्छा ग्रामीण योजनाएँ नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह योजना 50% किस पे लागू होगी, शेड्यूल कास्ट पर होगी। तो जो 2010 में लाने वाले जो थे मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था कि इसको लॉन्च करवाया था। साथ ही साथ इसमें भारत निर्माण के बारे में बात, क्योंकि निश्चित है कि जब हमारा गांव बढ़ेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा। तो यानी देश बढ़ना मतलब भारत का अच्छा निर्माण हो सकेगा। उसके अलावा इसी योजना में और क्या था, पीएम ग्राम सड़क योजना। क्योंकि आदर्श जो हमारा मॉडल है उस मॉडल के तहत सड़क होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने भी गांव हैं उसके सड़कों का पुनरुद्धार किया गया। वाटर सप्लाई, जैसा मैंने बताया था कि किसी भी मॉडल विलेज के लिए वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का सप्लाई रहेगा तभी तो जीवन यापन अच्छा होगा। अच्छे अच्छे घर जो कच्चे घर है उसको पक्के घर में बदलना ये था प्रधानमंत्री। हमने देखा आवास योजना के तहत हाउसिंग का निर्माण किया गया था। इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी था, धीरे धीरे अभी देखे लगभग प्रत्येक गांव में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का सब कुछ फैसिलिटी वहाँ हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अच्छा हो गया था, लगभग 24 घंटे इलेक्ट्रिफिकेशन मिल रहा है। साथ में साथ ये मॉडल जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मनरेगा, इसका मतलब कि अगर आदर्श एक गाँव आदर्श का होगा जब वहाँ पर सारे लोग जितने भी लोग हैं सभी को जॉब मिल जाए, किसी तरीके का जॉब मिलेगा तब तो आदर्श कहलाएगा, ठीक है। ICDCSDS जो है सैनिटेशन का काम करेगा। सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैनिटेशन से लोग स्वस्थ रहेंगे और उनसे क्या बीमारियां कम फैलेंगी। एक आदर्श ग्राम बनाने का एक मॉडल तैयार करने का मॉडल विलेज, ये सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। ये सारे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत है। तो मेन टॉपिक यही हुआ कि हमें सबसे पहले सड़क बनाने का ज़रूरत है किसी आदर्श ग्राम के लिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, अच्छे अच्छे घर होने चाहिए, इलेक्ट्रिक होने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ जो अवेलेबल है ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ वर्ड्स को याद रखिएगा। मनमोहन सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था मॉडल विलेज के लिए, था 23 जुलाई 2010 में इसको स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।